इन दिनों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन एक बार फिर से हरकत में आ गए हैं। पिछले महीनों से देखें तो आप पाएंगे कि घाटी में आतंकी अपनी दहशत बढ़ाने के लिए नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है और छिपकर हमले कर रहा है, और दुश्मन बेहतर तरीके से जानता है कि हमारे भारतीय सैनिकों का सीना उस लोहे से बना है जो दुश्मन के सामने खड़े होकर वार करता है, ना कि छिपकर। एक बार फिर आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है और छिपकर हमला किया है। आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के वाहन पर हमला कर दिया है। आतंकियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस हमले में 5 जवान शहीद और 5 घायल होने की खबर है। अटैक के बाद 5 जवानों को पहले कठुआ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उन्हें पंजाब के पठानकोट में स्थित आर्मी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।